आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्र, स्टडी आईक्यू पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों रेमन मैगसेसे की। रेमन मैगसेसे अवार्ड हमेशा दिया जाता है, हर साल दिया जाता है। हाल ही में 5 लोगों को दिया गया, जिसमें से एक रवीश कुमार थे। उनकी बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है, लाखों लाखों लोग उसे देख चुके हैं। और इनको अब तक का सबसे महान राष्ट्रपति माना जाता है। जबरदस्त लीडर थे दोस्तों, बहुत ही अच्छे इंसान थे। काफी कुछ किया इन्होंने, रिफॉर्म्स लेके आए, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स लेके आए, कृषि क्षेत्र में इन्होंने बहुत कुछ किया। जिनके पास जमीन नहीं थी, उन किसानों के पास, मतलब जो लैंडलेस लेबरर्स होते हैं, वो किसान जिनके पास जमीन नहीं होती, सबसे पहले तो उनको जमीन दी। तो जितने भी लोग गरीबी के नीचे थे उनको ये ऊपर लेके आए। इंटरनेशनली फिलीपींस को रिकॉग्निशन मिला, इन्होंने बहुत सारे विजिट किए, बहुत सारे पैक्ट साइन किए। तो इनकी जिंदगी को हम देखेंगे, रेमन मैगसेसे की शॉर्ट बायोग्राफी को आज हम देखने वाले हैं। Sid_eConnect मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों जगह बच्चों की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ स्टडी आईक्यू के टैबलेट और पेनड्राइव कोर्सेज हर एग्जाम्स के लिए आते हैं। आप इन नंबर्स पे कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। सबसे पहले तो मैप में देख लेते हैं फिलीपींस है कहां। ये आप देख सकते हैं, ये है भारत, ठीक है, और ये रहा फिलीपींस, है ना, आइलैंड, और इसी के बगल में ही जापान है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये साउथ ईस्ट कंट्री है, ठीक है ना। भारत से अगर हम देखें तो ये साउथ ईस्टर्न कंट्री है, ठीक है ना, तो इम्पोर्टेंट है, भारत के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे है फिलीपींस। अगर आप इस साइड से जाएंगे तो अमेरिका पास पड़ता है, इस साइड से मत देखिएगा, दूसरी साइड से जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो फिलीपींस आपने मैप में देख लिया। और अब हम इनके बारे में बात करते हैं। इनका जन्म 31 अगस्त 1907 में हुआ था। इनके माता पिता का नाम लिखा हुआ है, बड़ा ही खतरनाक नाम है, तो भैया मैं तो नहीं पढ़ पाऊंगा, आप देख लीजिएगा। 1907 में ये जन्मे थे, और इनकी जो पढ़ाई है, शुरुआती पढ़ाई है, वो जैम्बेलिस में हुई। सबसे पहले तो इन्होंने प्री मेडिकल कोर्स किया, और उसके बाद कॉमर्स से इन्होंने पढ़ाई की, और इन्होंने डिग्री ली, कॉमर्स से डिग्री ली, ठीक है, अंडर ग्रेजुएशन कॉमर्स से इन्होंने किया, और वहां की अच्छी खासी जानी मानी यूनिवर्सिटी रिजाल यूनिवर्सिटी से 1928 से लेकर 1932 तक, ठीक है। तो इनके पास कॉमर्स की डिग्री हो गई, पढ़ लिखे गए भैया ये। अब क्या, 1939 में वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो गया। अब वर्ल्ड वॉर टू तो शुरू हो गया, बगल में कौन है फिलीपींस के, जापान। जापान, जर्मनी, इटली एक साइड थे, इटली जर्मनी तो साथ ही लड़ रहे थे, जापान का बिल्कुल एक अलग एजेंडा था। और जापान ने क्या क्या क्राइम किए हैं वो तो सभी को पता है। चाइना को तो पूरा उधेड़ के रख दिया था ना, रेप्स ऑफ टैंकिंग पे मेरा एक पूरा सेपरेट लेक्चर है दोस्तों, उसमें देखिएगा जापानी क्या करते थे, पूरे पागल थे। इंपीरियल आर्मी ऑफ जापान पूरी पागल थी, लोगों को जिंदा गाड़ के जला देते थे ये लोग, बहुत ही खतरनाक लोग थे और बहुत ही ताकतवर लोग थे। ये फिलीपींस भी एंटर करेंगे, और यहां पे जब फिलीपींस में इनका आतंक चल रहा था तब ये भाग गए। ये जापानियों से बचने के लिए भाग खड़े हुए, और उसके बाद इन्होंने अपनी फोर्स बना ली। जी हाँ, हम देखते हैं रेमन मैगसेसे ने जापानीज से लड़ाई की, जापानियों से लड़ाई की, और बाद में जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ, रेमन मैगसेसे को राष्ट्रपति बनाया गया, तब जापानियों ने माना कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, रेपरेशंस ऑफ वॉर दिए, ठीक है ना, भरपाई की उन्होंने, $500 मिलियन दिए थे जापान ने बाद में फिलीपींस को, लेकिन खैर वो अभी हम देखेंगे उसको। तो 1942 में ये तो भैया बहुत बड़ी इन्होंने फोर्स बना ली। अब हम यहां पे देखते हैं कि जापानियों का जबरदस्त आक्रमण हो रहा था, फिलीपींस लड़ रहा था, तो भैया जो कमांडर थे कॉलोनल मेरिलिस के अंडर इन्होंने 10,000 फोर्स को कमांड किया। ये 10,000 लोगों की एक फोर्स थी जो कि गुरिला फोर्स थी, गुरिला टैक्टिक्स अपनाती थी, छुप छुप के वार करती थी, सामने से वार करेंगे तो मारे जाएंगे। तो यहां पे इन्होंने 10,000 लोगों को कमांड किया। फाइनली वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ, 1945 आया, 1945 अप्रैल 1945 के बाद वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ। अगस्त, हालांकि जापान में तो अगस्त में खत्म हुआ था, जब यहां पे बॉम्ब गिराए गए थे नागासाकी और हिरोशिमा पे अमेरिका ने, तो 1945 में अगस्त तक शांति शांति हो गई, और फिलीपींस में फिर से सूरज उगा। और यहां पे हम देखते हैं, देखिए फिलीपींस की बात करें तो इनफैक्ट फिलीपींस की बात करने से पहले हम अमेरिका की बात करते हैं। 1945 के बाद ये सभी को पता है कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर क्या मतलब, डेमोक्रेसी वर्सेस कम्युनिज्म, कई बार मैं बता चुका हूं। फिलीपींस डेमोक्रेसी को बिल्कुल फेवर करता था, यहां पे इलेक्टेड लोग आते थे, चुन के लोग आते थे, यहां पे कम्युनिज्म था नहीं। वैसे तो अभी पूरी तरीके से कम्युनिज्म आया भी नहीं है पूरी दुनिया में, सबसे पहला देश कौन था, सोवियत,
1917 में लेनिन जब पूरी ट्रेन मतलब जब लेनिन ट्रेन में आए थे, अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ था और उसके बाद उन्होंने सोवियत को पहला कम्युनिस्ट देश दुनिया का बनाया, तब ऑफिशियली कम्युनिज्म की स्थापना हुई कार्ल मार्क्स के प्रिंसिपल पे बेस्ड। उसके बाद चाइना 1949-1950 जब माओ ज़ेडोंग ने हरा दिया था चियांग काई-शेक को और यहां पे तियानमेन स्क्वायर से लाल झंडा फहरा दिया था, तब कम्युनिज्म फैलने लगा। और भैया देखिए चाइना तो बगल में है, चाइना तो हम अगर हम देखें तो ये तो एशिया में ही है ना, बगल में ही फिलीपींस है, तो अगर इतनी पास में कम्युनिज्म आ जाएगा तो फिर क्या होगा, आस पास के देश भी कम्युनिस्ट हो जाएंगे। इसीलिए हम देखते हैं वियतनाम हो गया और कंबोडिया हो गया, इंडोनेशिया, यहां सब एक तरीके से जंग स्टार्ट हो गई कि कम्युनिज्म लेके आना है। तो हम यहां पे देखते हैं कि कम्युनिज्म वर्सेस डेमोक्रेसी स्टार्ट हो गई, लेकिन फिलीपींस में तो डेमोक्रेसी थी और अमेरिका भी काफी सपोर्ट करता था। तो फिलीपींस की बात करें तो यहां पे जो इनकी पार्लियामेंट है, जो संसद है, वो मतलब इनकी पार्लियामेंट, संसद तो वैसे भारत की है, तो ये क्या है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो कि लोअर हाउस होता है जैसे भारत में लोकसभा, और अपर हाउस सेनेट। अब ये बिल्कुल अमेरिका का कंसेप्ट है, अमेरिका में भी यही हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट, ठीक है। तो यहां पे रेमन मैक्सेसे को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 1946 में चुना गया पहली बार, और फिर उसके बाद सेकेंड टर्म के लिए भी, बड़े युवा नेता थे और इनका चुनाव हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि इनको 1950 में नेशनल डिफेंस कमेटी का भी चेयरमैन बना दिया। अब ये डिसीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्यों इंपॉर्टेंट था, देखिए दोस्तों फिलीपींस में एक ग्रुप ऐसा था जिनको हुक्स बोला जाता था, वो लड़ रहे थे कम्युनिज्म के लिए, वो भी गोरिल्लास थे, छुप छुप के वो वार करते थे, उनको खत्म करना बिल्कुल ज्यादा जरूरी था। अब उस समय जो प्रेसिडेंट थे एलपीडीओ कुरिनो, एलपीडीओ यहां पे लिखा होगा कहीं, लिखा है कि नहीं, हाँ ये लिखा है एलपीडीओ कुरिनो, ये उस समय फिलीपींस के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो इन्होंने रेमन मैक्सेसे को बुलाया, बोला कि ऐसा है तुम आज से चेयरमैन हो डिफेंस कमिटी के, तुम देखो ये जो कम्युनिज्म के लिए जंग छेड़ रहे हैं, मैं चाहता हूं इनको पूरी तरीके से शांत कर दो। तो हम यहां पे देखते हैं कि रेमन मैक्सेसे ने एक एक करके सबको शांत करना शुरू कर दिया, जिनको हुक्स बोला जाता था, बड़े खतरनाक लोग थे। अब यहां पे जब तक रेमन मैक्सेसे नहीं आए थे, जब रेमन मैक्सेसे को डिफेंस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, क्योंकि रेमन मैक्सेसे का ऐसा व्यक्तित्व था, ये बहुत ही जबरदस्त इंसान थे, काफी गहरी छाप छोड़ते थे लोगों पे और लोग इनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। इससे पहले तक क्या होता था कि जो गांव के लोग हैं, और फिलीपींस तो उस समय पूरा गांव ही का एरिया था, अर्बनाइजेशन था का वहां पे, डेवलप तो था नहीं फिलीपींस। तो यहां पे हम देखते हैं कि जो गांव के लोग थे वो सरकार से बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखते थे, वो सरकार से चिढ़ते थे, और ये जो कम्युनिज्म थे, जो कम्युनिस्ट थे, क्योंकि ये गांव के लोगों की बात करते थे, इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे। लेकिन जब रेमन मैग्सेसे ने दारोमदार संभाला, उसके बाद जो गांव के लोग हैं वो रेमन मैग्सेसे के साथ हो गए। अब यहां पे रेमन मैग्सेसे का कार्यकाल बहुत बढ़िया था, तो हर कोई ये बोलने लगा कि आपको प्रेसिडेंट के लिए खड़ा होना चाहिए, आपको राष्ट्रपति बनना चाहिए। रेमन मैग्सेसे खुद भी नहीं चाहते थे कि वो राष्ट्रपति बने, कोई उनका ऐसा कोई मंशा नहीं थी कि मैं राष्ट्रपति चुनाव लड़ूं और राष्ट्रपति बनूं, लेकिन लोगों ने बहुत ज्यादा इस पे बल डाला, और उस समय जो सरकार थी वो काफी करप्ट थी, ठीक है, करप्शन के काफी ज्यादा चार्जेस लग रहे थे, जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स होते थे उनको पूरी तरीके से मरवा दिया जाता था, तो काफी ज्यादा अनस्टेबिलिटी थी। तो रेमन मैग्सेसे ने मौके की नजाकत को समझा और उसके बाद प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बन गए नेशनलिस्ट पार्टी, ये फिलीपींस में लिखा गया है, तो नेशनलिस्टा पार्टी, ठीक है, उसके ये प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बन गए। सामने कौन थे, एलपीडीओ कुरिनो। इसी दौरान दोस्तों 1991 में बहुत ही खतरनाक इंसिडेंट हुआ था, इनके दोस्त, इनके पॉलिटिकल एलाई मोइसेस पडिला इंसिडेंट हुआ था। दोस्तों हुआ क्या था कि पडिला को पूरी तरीके से टॉर्चर किया गया था, बहुत मारा पीटा गया था, किसने मारा पीटा गया था, जो इत्तेफाक नहीं रखते थे रेमन मैग्सेसे थे, रेमन मैग्सेसे से जो दुश्मन थे रेमन मैग्सेसे के, तो पूरी तरीके से टॉर्चर किया गया था और काट के इनकी बॉडी स्विमिंग पूल में फेंक दी गई थी। रेमन मैग्सेसे को बहुत ज्यादा दुख हुआ, उन्होंने अपने हाथों से उनकी बॉडी को उठाया था और उनका दाह संस्कार किया था। बाद में सब पे मुकदमा चला और इसमें बड़े बड़े लोग शामिल थे, इसमें गवर्नर शामिल थे, इसमें मेयर्स शामिल थे, 25 लोगों को डेथ सेंटेंस मिला, इलेक्ट्रिक चेयर होती थी उस समय,
जो एग्जीक्यूशन होता था वो इलेक्ट्रिक चेयर पे होता था, मतलब ऐसे कुर्सी पे बैठा देते थे और आपको शॉक दिया जाता था और आप मर जाते थे, तो बड़ी दर्दनाक मौत होती थी। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा दुख हुआ था रेमन मैक्सेसे को। लेकिन फिर 1953 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए। फिलीपींस का पूरा मॉडल अमेरिका का मॉडल है, अमेरिका में भी जो प्रेसिडेंशियल टर्म होता है 4 साल का होता है, यहाँ पे भी 1949 में जो इलेक्शन हुए थे इसको डर्टी इलेक्शन बोला जाता था, ठीक है, जो फिलीपींस में हुए थे, क्योंकि बहुत ज्यादा करप्शन था इसमें, ऐसा बोला गया था पैसा बहुत बाया गया है, काफी करप्ट प्रैक्टिसेस हुई हैं, तो ये डर्टी इलेक्शन है। लेकिन 1953 में जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए, लोगों का पूरा साथ था रेमन मैक्सेसे के, मतलब रेमन मैक्सेसे के साथ खड़े थे जितने भी लोग थे। और भैया यहाँ पे प्रेसिडेंट चुने गए रेमन मैक्सेसे और एक नए एरा का शुरुआत हो गई, एक नई एरा की शुरुआत हो गई। अब ऐसा बोला जाता है कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA जो कि अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसका 1953 के जो इलेक्शन हुए थे बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि भैया अगर फिलीपींस डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहा है तो ये किसको सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका को, और अमेरिका और सोवियत ये दो सबसे बड़े दुश्मन थे कोल्ड वॉर का एरा, आपको याद ही है। तो यहां पे हम देखते हैं कि 1953 में रेमन मैक्सेसे राष्ट्रपति हुए और इन्होंने जैसे ही ये सत्ता में आए रिफॉर्मेशन चालू कर दिया। सबसे पहले तो लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, करप्ट प्रैक्टिसेस से बहुत ज्यादा परेशान थे, तो तुरंत रेमन मैक्सेसे ने सब पे शिकंजा कसना शुरू किया। साथ ही साथ इन्होंने एक एक कमिटी बनाई जो क्या करती थी, जो कंप्लेंट्स को सुनती थी, मतलब एक डिपार्टमेंट बनाया, कमिटी में बोल रहा हूं, आई एम सॉरी, एक इन्होंने डिपार्टमेंट बनाया जो सिर्फ और सिर्फ कंप्लेंट्स को सुनती थी। तो हम यहां पे देखते हैं कि एक साल में लगभग 60,000 कंप्लेंट्स आती थी और एक एक कंप्लेन को चुना जाता था, सुना जाता था हर इंसान, जो भी छोटी से छोटी बात है तब भी यहां के, यहां पे फिलीपींस की सरकार सुनती थी, उसको सॉल्व करती थी। 35,000 कंप्लेंट्स को डायरेक्टली सॉल्व किया जाता था, बाकी जो प्रोसीजर होते थे वो अपनाया जाता था, लेकिन सारी कंप्लेंट्स को सॉल्व कर लिया जाता था, डायरेक्ट टच था। ये होता है कनेक्शन लोगों से, लोग यहाँ पे संवाद कर सकते थे। एक इन्होंने बहुत बड़ा और चीज की थी, यहाँ पे जो समय मेलाकेनन पैलेस था, जो कि प्रेसिडेंट का ऑफिशियल हाउस होता है जहां प्रेसिडेंट रहता है फिलीपींस का, वहां पे लोगों की एंट्री कर दी थी कि कभी भी आप मेरे घर पे आ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत हो आप मुझसे डायरेक्ट बता सकते हैं। इतने बड़े पद का इंसान ये बोल रहा है। उसके बाद आपको एक और चीज बता दूं, ये बोलते थे कि मुझे मिस्टर प्रेसिडेंट बोलो, इससे पहले हिज एक्सीलेंसी बोला जाता था, मतलब प्रेसिडेंट को राजा का दर्जा दिया जाता था। मिस्टर प्रेसिडेंट वैसे किसने बोला था, जब पूरी दुनिया शुरू हुई थी दोस्तों, आपको पता ही, चलिए मैं थोड़ा आपको हिस्ट्री में ले चलता हूं, पहले बड़ी बड़ी सभ्यताएं आई, उसके बाद फिर किंगडम्स आए, तो यहां पे राजा महाराजाओं का बहुत ज्यादा दबदबा होता था, तो यहां पे जो हेड ऑफ स्टेट होता था उसको हिज एक्सीलेंसी या फिर योर हाइनेसी बोला जाता था। लेकिन अमेरिका के जॉर्ज वॉशिंगटन ने इसको पूरी तरीके से तोड़ दिया। जॉर्ज वॉशिंगटन की बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है, जब वो राष्ट्रपति बने अमेरिका के तब उन्होंने बोला कि मुझे मिस्टर प्रेसिडेंट बोलोगे, और यही बाद में मैक्सेसे ने भी बोला कि जब ये प्रेसिडेंट बन के आया तो मुझे हिज एक्सीलेंसी नहीं बोलना। तो ये देखिए ह्यूमिलिटी को दर्शाता है, कितने ज्यादा ह्यूमेन इंसान, कितनी ज्यादा अंदर इनके, कितनी ज्यादा ह्यूमिलिटी है रेमन मैक्सेसे के अंदर, कि उन्होंने बोला कि आप मुझे मिस्टर प्रेसिडेंट बोलेंगे, हिज एक्सीलेंसी या फिर कोई भी राजा महाराजाओं वाला टाइटल देने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें की, करप्शन पे इन्होंने शिकंजा कसा, जो गंदगी थी वो साफ की, देखते ही देखते फिलीपींस क्लीनेस्ट एंड मोस्ट करप्शन फ्री स्टेट बन गया। और आज भी मॉडर्न फिलीपींस की बात करें तो रेमन मैक्सेसे के एडमिनिस्ट्रेशन को सबसे बेहतरीन माना जाता है। जब तक रेमन मैक्सेसे ने राज किया 4 साल तक, उसको गोल्डन ईयर्स का दर्जा दिया जाता है, छाप छोड़ दी थी। आप देख सकते हैं कितने कम दिन उन्होंने रूल किया था, सिर्फ 4 साल, लेकिन उसके बावजूद गोल्डन ईयर्स का, और ये सब बिल्कुल फैक्ट्स हैं, ठीक है, ये सब लिखा हुआ है, इस पर रिपोर्ट पब्लिश की गई है, हर एक चीज, चाहे वो ट्रेड एंड इंडस्ट्री हो, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, कल्चर हो, फॉरेन अफेयर्स हो, एक एक चीज कमाल हो गया दोस्तों, कमाल कर दिया यहां पे रेमन मैक्सेसे। लेकिन यहां पे सबसे पहले इन्होंने क्या टारगेट किया, सबसे पहले इन्होंने टारगेट किया एग्रीकल्चर को, एग्रीकल्चर को टारगेट किया। सबसे पहले तो इन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोर्स बनाया, ठीक है, उसके बाद इन्होंने नेशनल रीसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन एडमिनिस्ट्रेशन बनाया, इसमें जो भी रिफ्यूजीज थे या फिलीपींस में वो लोग जिनको
नागरिक का दर्जा नहीं दिया जाता था, उनको रिहैबिलिटेट करने की कोशिश की, उनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की, ट्रेड को खोलने की कोशिश की, ट्रेड बढ़ाने की कोशिश की और अमेरिका से तो उनका पूरा साथ था, अमेरिका ने तो पूरी तरीके से फिलीपींस को सपोर्ट किया। लेकिन ये बहुत सारे इन्होंने कानून भी पारित किए दोस्तों, और मेन कानून जो आए थे वो एग्रीकल्चर। भैया देखो, देश जो होता है ना वो एग्रीकल्चर से ही बनता है। सबसे पहला ऑक्यूपेशन जब से दुनिया शुरू हुई है, दुनिया की पूरी इकोनॉमी, हर एक देश की इकोनॉमी किस पे डिपेंड है? एग्रीकल्चर, कृषि क्षेत्र से ही सब कुछ होता है दोस्तों, और इसी पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। इंडस्ट्री भी इस पे डिपेंड करती है, सर्विस सेक्टर भी इस पे डिपेंड करता है। तो इन्होंने इसी को ही टारगेट किया। उस समय जिन लोगों के पास भूमि नहीं थी, जो बहुत ही गरीब किसान थे, उनको इन्होंने भूमि देनी स्टार्ट कर दी, ठीक है ना। एक एक को इन्होंने लैंड दी है, ऐसा बोला जाता है कि 90,000 एकड़ लैंड जो है वो बांटे गए थे। और यहां पे हर एक फैमिली को, वो फैमिली जो बहुत गरीब थी, हर किसी को जमीन मिली और उन्होंने उस पर खेती करना शुरू की, और वहां से फिलीपींस की दशा बदलनी जो है वो पूरी तरीके से शुरू हो गई। और इसके लिए बहुत ज्यादा पैसा, $10 बिलियन तक इन्होंने ग्रांट किए, बहुत सारे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, बहुत सारे पावर प्लांट्स लगाए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनाई इन्होंने, इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश की, बहुत सारे कानून पारित किए, डेट ट्रैप को खत्म किया, जो मनी लेंडर्स का पूरा डेट ट्रैप होता था, ठीक है ना, कि जो मनी लेंडर्स क्या करते थे, वो लोन दे देते थे, किसान लोन नहीं चुका पाता था, उनको फिर पूरी तरीके से लूटते थे और उनको एक तरीके से अपना गुलाम बना लेते थे। तो उसको खत्म किया, सोसाइटी को रिफॉर्म किया, जिससे यहाँ पे लोगों की दशा बहुत ज्यादा सुधरी। इंटरनेशनल अगर रिकॉग्निशन की बात करें तो अमेरिका तो पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा था, ट्रेड में अमेरिका पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा था, लैंगली एग्रीमेंट इन्होंने साइन किया था, ठीक है ना, एक्सपायर हो गया था 1974 में, लेकिन ये 20 साल तक अमेरिका ने ट्रेड में तो पूरा सपोर्ट किया, नई फैक्ट्री बनानी है हम आपके साथ हैं, अगर आपको कोई प्रोडक्ट बेचना है उसको बनाने में हम आपकी मदद करेंगे, तो ये सारी चीजें। उसके बाद दोस्तों भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, जितने भी बड़े बड़े एशिया के देश हैं उनसे भी इनके बहुत अच्छे रिलेशन थे। बांडुंग कॉन्फ्रेंस इन्होंने ऑर्गेनाइज की थी, जापान के साथ इन्होंने रेपरेशन एग्रीमेंट किया था, तो जापान ने जो भी वॉर में नुकसान किया था फिलीपींस का, एक एक की भरपाई की जापान ने अपनी गलती मानी। आज अगर आप जापान को देखें दोस्तों, और अगर पहले जापान को देखें तो जमीन आसमान का अंतर है। मेजी रेस्टोरेशन पे मेरा एक पूरा लेक्चर है 1868 में, जब जापान पूरा बदल गया था, और उसके बाद जब जापान का कानून बना था, किस तरीके से सब कुछ मिलिट्री के अंदर आ गया, फिर जापान ने जो तबाही मचाई है पूरी दुनिया में वो सबने देखा है, वो देख लीजिएगा, मेरा मेजी रेस्टोरेशन पे पूरा एक सेपरेट लेक्चर है। खैर जापान की हम बात नहीं कर रहे हैं, जापान पे मैं अपने लेक्चर में नहीं भटकूंगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जापान ने यहाँ पे रेपरेशन एग्रीमेंट साइन किया गया और जापान ने पूरी मदद की। फिर सीटो भी यहाँ पे, मतलब सीटो की अगर बात करें, SEATO, साउथ ईस्ट एसोसिएशन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कुछ इसी तरीके का फुल फॉर्म है, तो सीटो भी यहाँ पे इन्होंने एस्टैब्लिश किया। ये नॉर्थ मतलब वियतनाम में वॉर हो रहा था, आपको पता ही है उस समय नॉर्थ और साउथ लड़ रहे थे, ठीक है, डेमोक्रेसी और कम्युनिज्म के लिए। तो यहां पे इन्होंने नॉर्थ वियतनाम, जो कि डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहा था, उसको सपोर्ट किया, ठीक है, और साउथ वियतनाम को यहां पे नकारा। तो ये सारी चीजें इन्होंने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इनका 4 साल का ही टेन्यूअर रहा। और एक बहुत ही दुखद घटना हुई है, मैंने देखा है कि जब भी एक इंसान, एक बहुत ही अच्छा इंसान अपने पीक पे होता है, ऐसा क्यों हो जाता है कि प्रकृति जो है उसे सारी चीजें छीन लेती है। हमने सुभाष चंद्र बोस के साथ भी यही देखा, जब 1945 में सुभाष चंद्र बोस अपने पीक पे थे, उनका प्लेन क्रैश हो गया। ऐसे ही रेमन मैक्सेसे का भी प्लेन क्रैश हो गया था। रेमन मैक्सेसे का जो पहला टर्म था वो खत्म होने के कगार पे था, 4 साल का टेन्योर होता है, 1953-1957 इलेक्शन आने वाले थे, तो लेक्चर्स देने वो बाहर जा रहे थे और उनका प्लेन जो है वो क्रैश हो गया। 16 मार्च को C-47, 17 मार्च को ये खबरें आई कि जो इनका प्लेन है वो सेबू के माउंट मनुंगल में क्रैश हुआ है और वहां पे 25 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें मैग्सेसे भी थे, लेकिन इनकी पत्नी बच गई थी जिनका देहांत 2004 में हुआ। तो यहां यहां पे 20 लाख लोगों ने मैक्सेसे की फ्यूनरल को अटेंड किया। कमाल का एक गोल्डन पीरियड था, इसका एंड हुआ और आज भी रेमन मैक्सेसे को बहुत ही ऊपर माना जाता है। इसीलिए भैया रेमन मैक्सेसे अवार्ड, जिसको एशिया का नोबेल प्राइज बोला जाता है, हर साल दिया जाता है, ठीक है, और इनको चैंपियन ऑफ द मासेस का ये इनको टाइटल मिला। तो बिल्कुल चैंपियन ऑफ द मासेस थे। अगर रूल हो तो इस तरीके का हो,
अगर किसी को रूल करना है, कितना कुछ आप सीख सकते हैं कि सीधा इन्होंने संवाद बनाया लोगों से जो लोग परेशानी में थे और लोगों ने भरपूर स्वागत किया इनका। तो ये चीज थी, ये लेक्चर था रेमन मैक्सेसे पे। आई होप आपको पसंद आया होगा। कुछ नहीं पढ़ते रहे, दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।